तो मेन इवेंट में रूमर रेंज आते हैं सबको सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए। वो पहले कहते हैं कि लास्ट नाइट रॉयल रंबल में कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता और मुझे सीधा अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रसल में 39 में चैलेंज कर दिया है। लेकिन वो बात की बात, लेकिन तुम्हें सिर्फ पास्ट के बारे में बात करना है, ठीक है? मैं पास्ट के बारे में बात करता हूँ। सैमी ज़ेन मेरे फैमिली को तोड़ा, मेरी ब्लड लाइन को तोड़ा, मेरा राइट हैंड जे ऊसो को तोड़ा, ऐसे सब रूमर रेंज कहना शुरू करते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ से पीछे से सैमी ज़ेन आते हैं, रूमर रेंज के ऊपर अटैक करते हैं पीछे से। वहाँ से रूमर कुछ कर पाते उससे पहले उन्होंने सीधा उनको रूमर रेंज को स्पीयर मारा। रिंग के अंदर एक स्टील चेयर थी उससे अटैक करने थे, लेकिन वहाँ से रूमर रेंज भाग पड़े। वहाँ से सोलो सिको और अपने जिमी उसो ने रूमर सैमी ज़ेन के ऊपर धो मा क्या उनकी पिटाई शुरू कर दी। फिर रूमर रेंज आते हैं, सैमी ज़ेन को सोलो सिको बस मारने वाले थे, तब रूमर रेंज रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने सब कुछ बेकार कर दिया, तुमने मेरी फैमिली तोड़ा, ब्लड लाइन तोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सपेक्ट करता हूँ और एलिमिनेशन चेंबर में तुम्हारे फैमिली के सामने तुम्हें ऐसा असॉल्ट करूंगा, ऐसा कुछ रूमर रेंज ने खाली खुली स्टेटमेंट दे दिया सैमी ज़ेन को। इसलिए ये मैच अभी सेटअप हो चुका है एलिमिनेशन चेंबर, रूमर रेंज वॉज अ सैमी ज़ेन फॉर द एलिमिनेशन चेंबर मैच। और गाइस रॉयल सॉरी रेसलमेनिया 39 का न्यू पोस्टर भी आ चुका है, इसमें अपने रूमर रेंज और कोडी रोड्स को मेन फ्यूचर किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है, कोई भी ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होने वाला। और ये काफ़ी पोस्टर गूज बम्स देने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कोडी रोड्स, एक तरफ रूमर रेंज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आप फोटो ये पोस्टर देख रहे हो की बात करते हैं। लेकिन गाइज बैक स्टेज के ऊपर अपने ब्लड लाइन का हमें सेगमेंट भी देखने को मिला। रूमर रेंज सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भाई, कहाँ है जिमी उसको, मुझे पता है वो इमोशनल है, पता नहीं उससे क्या सीन है। वो सैमी ज़ेन के साथ ज़रा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट वीक को इससे पहले उसको वापस लेके आज के बाद उसको लेके आओ, क्योंकि नेक्स्ट वीक का उसका टाइटल मैच है। अगर वो तब नहीं है उससे टाइटल तो ड्रॉप होगी ही, लेकिन हमारी इज्जत भी जाएगी, ऐसा कुछ रूमर रेंज का रिएक्शन आता है जे उसो के रिटर्न लाने के ऊपर। क्या नेक्स्ट वीक जे उसो आएंगे, क्योंकि टाइटल बड़ा डिफेंस है, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर दोनों भी टाइटल डिफेंड होने वाले, स्मैकडाउन टाइटल, इसलिए शायद नेक्स्ट वीक जे उसो आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, नहीं तो अपने सोलो सीखा हुआ उनकी जगह कूद पड़ेंगे उस मैच में।